दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये यम्मी सी स्वीट? एक्चुअली में ये आटा बर्फी है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही गिने चुने इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी कि सिर्फ आटा, घी और चीनी और ज़रा सा पानी। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, आटा बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कटोरी गेहूँ का आटा, नॉर्मल आटा जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी देसी घी। ये जमा हुआ है, जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो ये 1 कटोरी से थोड़ा सा ही कम बैठेगा, और 1/2 कटोरी के करीब पानी। बस यही सामान हमें चाहिए, आटा, घी, चीनी और पानी। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और गार्निश के लिए आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आटा बर्फी। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख लिया और इसमें अब मैं घी डालूंगी। एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, पहले हम 1/2 घी डालेंगे। देखिए, 1/2 कटोरी घी मैंने डाल लिया है और बाकी का 1/2 जो है रोक लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे। घी गर्म हो गया है और इसमें अब हम ये आटा डालेंगे। और बिल्कुल लो गैस पर ही इसको भूनेंगे, गोल्डन कलर आने तक भूनना है हमें इसे। जब ये अभी थोड़ा भुन जाएगा तो फिर हम बाकी का घी भी इसमें डाल देंगे। तो अभी 1 से 1.5 मिनट ही हुआ है इसे भूनते हुए, और इसे भूनने में टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जब हम इसे 5 मिनट भून लेंगे तब हम इसमें अपना थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। और जब तक हम आटा भून रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर दूसरे पैन में वो जो 1/2 कटोरी पानी था वो डाल दिया है, और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। और साथ साथ आटे पे भी ध्यान रखना है, आटे को छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये एक तरफ से कलर पकड़ लेगा। बहुत ही लो गैस पे कर रही हूँ मैं, देखिए बहुत लो गैस कर रखा है मैंने गैस की फ्लेम को, और ऐसे हल्के हल्के पे ही भूनना है। और अभी इसमें से बहुत हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हुई है। तो पानी हमारा बॉईल हो गया और इस टाइम पर इसमें मैं ये शुगर ऐड कर दी और इसकी सिर्फ एक हल्का सा तार आने तक वाली चाशनी बनाएंगे। पर आटे को भी भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए, तो बाकी का घी भी अब इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसको भूनते रहेंगे, बहुत हल्की हल्की ही आंच पर। और अब आटे में से खुशबू भी आने लग गई है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 बार और घी इसमें डाल दिया, और जितना घी था इनफ रहा, घी कम नहीं पड़ा, ये देखिए। और अभी तो ये भुनेगा तो घी छोड़ेगा भी। और चाशनी भी हमारी बनके हो गई है तैयार। तो चाशनी वाले गैस को करते हैं बंद और अब इसको अच्छा सा भूनते हैं और थोड़ा सुनहरा कलर आने तक। तो बर्फी को जमाने के लिए मैंने लिया है, ये केक टिन है मेरे पास, अगर आपके पास ट्रे हो तो ट्रे ले लीजिएगा। और इसमें मैं ये एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, आटे का कलर कितना प्यारा गोल्डन कलर हो चुका है, और आटा बहुत अच्छे से भून चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ गई है। तो अब इस टाइम पर हमें इसमें डालनी है अपनी ये जो चाशनी हमने बनाई है, ये चाशनी, और फटाफट से करना है इसको मिक्स। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पतला हो गया, लेकिन ये अभी 1/2 मिनट के अंदर ही ये थिक हो जाएगा। तो बस ये मिल गया है बहुत अच्छे से। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और सारी चाशनी ऑब्जर्व भी कर ली इसने, और बिल्कुल अच्छे से ड्राई भी हो गया। तो अब इस टाइम पर ये जो हमने टिन तैयार किया है, आप चाहे तो थाली में भी कर सकते हैं, इसमें ये जो बर्फी का मिक्सचर है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये सारा मिक्सचर इसमें मैंने डाल लिया है और इसको अच्छे से दबा दबा कर हम सेट कर देंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि एकदम इवन और स्मूथ हो जाए।
तो बस अब लेते हैं चम्मच की सहायता और इसके उल्टी तरफ से, और ये देखिए घी कितना है इसमें, ये देखिए अलग से घी लगाने की चम्मच पे या कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो बस इसके सरफेस को एकदम से चिकना और प्लेन कर लेंगे। तो बस मैंने इसको एकदम से चिकना कर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और बस इसको भी हल्का सा चम्मच से प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें चिपक जाए और सेट हो जाए। तो बस अब मैं इसको यहीं पर किचन काउंटर पर छोड़ रही हूँ 2 से 2.5 घंटे के लिए ताकि ये अब ठंडी भी हो जाए और अच्छे से सेट भी हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों 2 घंटे के करीब हो गए और बर्फ़ी हमारी अच्छे से हो गई है सेट। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये देखिए आराम से निकालेंगे। फॉइल लगाने का यही फायदा है कि बहुत आराम से निकाल पाए हम इसको। देखिए मैंने इसको फॉइल में से निकाल लिया है और बहुत आराम से निकल आई है बर्फी हमारी। और अब करते हैं इसके पीसेस। आप देख रहे हैं कितने आराम से कितने स्मूथली पीसेस कट हो रहे हैं इसके। इट मीन्स कि ये बहुत सॉफ्ट बनी है। देखिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितने इवनली कितने नाइस आराम से कट हुए हैं पीसेस और बहुत सॉफ्ट हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट बर्फी बनके तैयार हुई है। तो चलिए इसको करते हैं सर्व। तो देखिए मैंने सारी बर्फियों को निकाल लिया है प्लेट में और कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं और खाने में तो लाजवाब है ही, क्योंकि आटा घी जो है दोनों जब मिल जाते हैं साथ में और चीनी, तो एक ऐसा यूनिक सा टेस्ट हो जाता है कि जो मुंह से उतरता नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आटा बर्फी का आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।